तो आपका प्रोजेक्ट है स्टॉक मार्केट का, तो अभी जितना टास्क हमने किया हुआ है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जितना टास्क अभी किया गया है जो अपने प्रोजेक्ट में है, कि कंपनी का प्राइस डिस्प्ले होता है और कंपनी सर्च की जाती है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाद में क्या होगा वो भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो यहाँ पे आपको पहले जैसे ही ये चालू हो जाता है जुपिटर लॉन्च करना है। जुपिटर लॉन्च करते ही आपको प्रोजेक्ट के पाथ पे तो यहाँ पे कोड स्टॉक मार्केट में ये एग्जांपल दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे ऐप डॉट आई पी वाइन भी रन करोगे आप, ऐप डॉट आई पी वाइन भी में ये सब इन्फॉर्मेशन और ये दिया गया। तो यहाँ पे जैसे आप इसे रन करते हो तो वैसे ही आपका स्लैश से ऐप डॉट रूट स्लैश से जो भी फाइल कॉल किया है, जैसे यहाँ पे सर्चिंग डॉट एच टी एम एल है, उसे कॉल किया गया और उसे कॉल जाता है। फिर जो भी वैल्यूज़ आपका है डी एफ वन में क्या है, तो DF1 में आपका है फाइव स्टॉक्स डॉट सी एस वी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको फाइव स्टॉक्स डॉट सी एस वी मिलेगा। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, आप ये इन्फॉर्मेशन एडिट भी कर सकते हो, बस जो इन्फॉर्मेशन एडिट कर रहे हो वो जेन्यून होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, याहू फाइनेंस में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे टी सी एस जो सिम्बॉल है याहू फाइनेंस में टी सी एस के नाम से है इन्फी। फिर एल टी डॉट एन एस है लार्सन एंड टोब्रो के लिए, तो टोब्रो के लिए, और के पी आई टी जो है के पी आई टी डॉट एन एस है के पी आई टी टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो आप जितना चाहे उतना लिस्ट ऐड कर सकते हो, और जैसे ही ये डेटा ऐड कर रहे हो तो आप इसका प्राइस फेच कर रहे हो। प्राइस फेच करने का कोड है यहाँ पे याहू फाइनेंस फेचिंग प्राइस, यहाँ पे है, सॉरी एक सेकेंड, ये फेच स्टॉक डेटा करके है यहाँ पे है। तो यहाँ पे फाइव स्टॉक्स डॉट सी एस वी में से डेटा रीड किया, फिर सिम्बॉल लिया, वो सिम्बॉल का जो भी डेटा था वो सिम्बॉल का डेटा लेके, और फिर यहाँ पे डेटा फोल्डर में जितना भी आपको डेट चाहिए, जो भी डेट चाहिए वो डेट तक का डेटा आता है। अब देख सकते हो यहाँ पे डेटा के अंडर, देखिए इन्फी का फोल्डर ओपन करके दिखाते हैं आपको, तो जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हुआ है वो सब आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा, हाई लो वैल्यू ओपन क्लोज कब हुआ था, वो पांडास डेटा रीडर के लाइब्रेरी से ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक चीज़ है आपको बतानी है। फिर जैसे ही आप इसे रन करते हो ऐप डॉट पाई में, शिफ्ट एंटर करते हो, तो स्लैश सर्चिंग डॉट एच टी एम एल को कॉल जाता है। तो सर्चिंग डॉट एच टी एम एल पे कॉल जाते ही आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है डी एफ वन अभी हमने देखा था, और डी एफ वन देखिए यहाँ पे डी एफ वन ऑफ नेम, तो डी एफ वन ऑफ नेम क्या है, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, फिर इन्फोसिस, फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन सब सेंडिंग कंपनीज इन्फो और यहाँ पे जा रही है, और ये एक वेरिएबल दिया गया, ये हम लोग सेंडिंग कंपनीज इन्फो में जो वैल्यू है यहाँ पे सर्चिंग डॉट एच टी एम एल में ये कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो जैसे सर्चिंग डॉट एच टी एम एल में क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर ऐसा है, स्टैटिक फोल्डर के अंडर सब सी एस एस फाइल, इमेजेस फाइल और जावास्क्रिप्ट होते हैं। अभी ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, सिर्फ इतनी कॉल की गई है क्योंकि चार्ट डिस्प्ले करना है। टेम्पलेट्स के अंडर आपका पूरा एच टी एम एल फाइल होता है। जैसे आप सर्चिंग डॉट एच टी एम एल करोगे, फिर यहाँ पे सर्च कंपनी है, फॉर्म एक्शन, फिर यहाँ पे ऑटो कम्प्लीट इनपुट रखा गया, क्लास उसका ऑटो कम्प्लीट है। जैसे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन डालना चाहोगे तो ये ऑटो कम्प्लीट क्या कर रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये सर्च करोगे आप तो यहाँ पे देखोगे कि एक वैल्यू को कॉल जा रहा है। ये क्या बोल रहा है, ऑटो कम्प्लीट वैल्यू सेफ। तो जो वैल्यूज़ आपको आई है ये वैल्यूज़ कौन सी आई है डेटा में, जो डेटा में वैल्यूज़ आई है ये वाला वैल्यूज़ हैं जो आपने देखा था, हमने शेयर किया था, यहाँ पे ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ को डेटा जा रहा है, और वो डेटा कम्प्लीटली जैसे आप टाटा डाल रहे हो तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ऐसे पूरा दिख रहा है। फिर आप जैसे सबमिट कर रहे हो, सबमिट के बाद सर्च फॉर कंपनी को कॉल जा रहा है, फिर यहाँ पे आके आपको सर्च फॉर कंपनी को कॉल देना है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, सर्च फॉर कंपनी में यहाँ पे
स्टॉक प्राइस डेटा करके लेजेंड देख रहा है, फिर कंपनी का नाम ले रहा है, फिर कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन उठा रहे हैं। ये सिंटैक्स है पांडाज में, जहाँ पे कंपनीज़ का नाम आपने जो एंटर किया है वही नाम अगर प्रेजेंट है तो उतना ही डेटा यहाँ पे लोक में, मतलब लोकेशन ऑफ दिस DF1 वो उठा के यहाँ पे PD.read.CSV, फिर डेटा के अंडर वो पर्टिकुलर कंपनी का नाम जो भी सिंबल है TCS, तो TCS.CSV यहाँ पे रीड कर रहे हैं। फिर जो भी डेटा आपका मिल रहा है वो लोकेशन के करस्पॉन्डिंग, जैसे DF ऑफ क्लोज प्राइस है और DF ऑफ डेट है, वो डेटा उठा के यहाँ पे डिक्शनरी में अपेंड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे लाइन चार्ट डॉट HTML को कॉल दे रहे हैं। ये URL साइट आप हम लोग बाद में चेंज करने वाले, अभी के लिए सिर्फ आपको डेटा डिस्प्ले किया और करंट उस प्राइस पे कितना डेटा होगा पर्टिकुलर क्लिक पे वो देखा। फिर टेम्पलेट के अंदर लाइन चार्ट डॉट HTML को कॉल किया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आपका डेटा जो दिखना है वो कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, जैसे यहाँ पे स्टॉक इन्फॉर्मेशन, फिर माई चार्ट, यहाँ पे ग्राफ डिस्प्ले ऑफ क्लोजिंग प्राइस, स्टॉक नेम और सिंबल ऊपर दिखता है। तो सिंबल क्या है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल, सिंबल जो है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए, यहाँ पे सिंबल इज़, तो जो आपने इनपुट में डाला था वो है, वो प्रिंट होगा। फिर स्टॉक नेम, जो आपका स्टॉक नेम है वो प्रिंट होगा यहाँ पे। फिर जो ऐसे इन्फॉर्मेशन आया, फिर जो भी स्टॉक इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसके ऊपर माई चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें, तो माई चार्ट आप देख सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पे माई चार्ट जो है, माई चार्ट इज इक्वल टू न्यू चार्ट CTX, यहाँ पे ले रहे होल्डर और CTX। फिर जैसे ही माई चार्ट ले रहे ये लाइन ड्रॉ करेगा, फिर डेटा चार्ट डेटा में जाएगा। फिर क्या कर रहा है कि जो भी अपने अपने जो भी वैल्यूज़ दिए हुए थे, फिर ये माई चार्ट में पुट करेगा वैल्यू, ये कैनवास ड्रॉ कर रहा है जस्ट, लेकिन वो एलिमेंट लेके फिर वो माई चार्ट में एक वैल्यू ड्रॉ करेगा, और वो वैल्यू क्या रहेगा, उसके जो भी क्लोजिंग प्राइस आपने पास किए थे एक्टिव, जो भी क्लोजिंग प्राइस आपने पास किए उसका वैल्यू पूरा यहाँ पे एम्बेड हो रहा है। तो ये चार्ट डेटा जो देख रहे हो आप, कंट्रोल सी करोगे इसको, कंट्रोल एफ करोगे, तो चार्ट डेटा में जो आपका वैल्यू जाना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए चार्ट डेटा में फॉर ईच आइटम इन लेबल्स, तो लेबल्स क्या है आपके, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ लेबल्स, फिर यहाँ पे लेबल दिख रहा है, ये टाइम्स करके है, ये टाइम्स के अंडर आपका पूरा डेट जा रहा है जो कि यहाँ पे आएगा। फिर आपका जो वैल्यू है ईच वैल्यू जो, ये यहाँ पे लेजेंड लेगा, लेजेंड मतलब नाम, ये देखिए लेजेंड क्या दिया था हमने यहाँ से स्टॉक प्राइस डेटा, फिर ऊपर दिखेगा वो वाला वैल्यू। और फिर जो इन्फॉर्मेशन है जो वैल्यूज़ में है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ में पास किया है टेम्परेचर, तो ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, ये देखिए ये DF ऑफ क्लोज प्राइस है यहाँ पे। तो जैसे ही DF ऑफ क्लोज प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले का काम कर रहा है। अब जैसे भी कोई भी पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो तो वो पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये सब फंक्शन आगे के डिफाइन किए गए हैं, पार्स न्यूज़ फ्यूचर प्राइस पर, ये आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तो जैसे आप कोई भी पॉइंट को क्लिक करते हो तो ये फंक्शन कॉल होता है। तो एक्टिव पॉइंट को क्लिक होते ही एक पॉइंट सिलेक्टेड डॉट इनर डॉट HTML को कॉल जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ पॉइंट सिलेक्टेड, ये देखो ये एक वेरिएबल है यहाँ पे, ये ड्यू में,